हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, जिसमें मैं क्लास 10 के जो पेपर लीक सीरीज चल रही है इसके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। और वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। और इस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल के जो क्वेश्चन है बच्चे ना, अगर आप इनको एक क्वेश्चन भी बना लोगे ना, तो जो बाकी क्वेश्चन है आप उसे भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें केवल आपको 2 से 3 नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज याद रखनी है सर्कल की, और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में, और इस साल भी आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट भी होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि बस केवल नंबर्स को चेंज किया जाता है और क्वेश्चंस को पूरा पूरा रिपीट किया जाता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर के आया हूं, एकदम आराम से बनाइएगा, सोच समझ करके बनाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर से जाकर के सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको सैंपल पेपर का और स्टडी मटेरियल्स का, आप उसे गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम पे मैंने कुछ जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो अपलोड किए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि मुझे और इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। जैसे मैंने पिछले कई वीडियो बनाए पेपर लीक सीरीज में जो आपको बहुत पसंद आया ना, उसी तरीके से आपको इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ। बेसिक क्वेश्चंस को करोगे ना, तभी आप एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो कर पाओगे। मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो सारे क्वेश्चंस है ना, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो एकदम स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, वो 11वां नंबर का क्वेश्चन है। टोटल ऐसे तो मैं 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ नॉर्मली, लेकिन आज हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो उस क्वेश्चन को जरूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर देकर के आपको जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें दिया हुआ एक फिगर, ये आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बीच में ले आता हूं, चल भाई यहां पर आ जा। इस फिगर के अंदर आप लोगों से पूछ रहा है कि जो एंगल आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू कौन सा एंगल है? देखो आर ओ क्यू यानी कि ये वाली जो एंगल है ये कितनी डिग्री की होगी। तो भाई अब मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ये छोटे छोटे जो एंगल्स हैं ये पता करूं क्या? तो यस वहां से भी निकल सकता है, लेकिन हम छोटे एंगल्स वगैरह कुछ नहीं पता करेंगे, हम लोग इसको सबसे ईजी मेथड से बनाएंगे। जो आपकी क्लास 10 का मेथड है, टेंजेंट वाला जो मेथड है, वो मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो टेंजेंट होता क्या है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, बेसिक समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। सर्कल होता है ना, तो सर्कल के बाहर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट है, तो वो सर्कल में क्या करता है, सर्कल को टच करके निकलता है। जब कभी भी कोई पॉइंट से कोई लाइन जो है सर्कल को टच करते हुए निकलता है ना, तो इसको ही टेंजेंट बोला जाता है। और ये जो टेंजेंट होता है ये क्या होता है ना, अगर आप रेडियस से एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, तो यानी कि वहां पर क्या करता है, ये परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आप रेडियस से टेंजेंट को टच करोगे ना, तो वो जो आपका टच जहां पर होता है ना, वहां पर जो एंगल्स बनेंगे दोनों साइड, वो 90 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। मैं आपको एकदम अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप लोगों को थ्योरी नहीं रटवा रहा हूँ, सिंपल से जो मेथड्स हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है, कि जब सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है उससे हम लोग सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं, तो जहां पर भी टेंजेंट बन रहा है अगर आप सर्कल का रेडियस बना दोगे ना, तो वहां पर एक राइट एंगल बन जाता है। उसी तरीके से दोनों साइड होता है, जैसे इधर हुआ ना, तो हम लोग एक पॉइंट से बाहर में किसी भी एक पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट बना सकते हैं। मान लो कि ये यहाँ पर टच हो रहा है, एक्चुअल में दिखता है कि बहुत सारे पॉइंट पे टच हो रहा है, लेकिन उसमें एक ही पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, एक ही पॉइंट पे एक्चुअल में टच होता है, ठीक है? वो तो मेरा सर्कल बहुत ही बेकार से बना है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब यहां पर जब आप एंगल देखोगे ना, जब रेडियस से बनता है, ये भी हमारा राइट एंगल बनता है। तो कुछ इसी तरीके का आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इधर वाला जो पॉइंट एस वगैरह उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसका। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले सर्कल में ये बाहर का हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी था, इसने टेंजेंट बनाया इस वाले पॉइंट आर पर, और ये जो ओ आर है वो क्या है, रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सर्कल का जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है उसके बीच में जो कंप्लीट एंगल बनेगा ना, ये वाला कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियस और टेंजेंट मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जब आप नीचे में देखोगे यहाँ पर पी क्यू, तो ये देखो हमारे पास जो ओ क्यू है वो क्या है, हमारा रेडियस है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है उससे आप पूरा यहाँ पर टेंजेंट तक लाइन बनाओ, यानी कि जो एंगल है वो बनाओ, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। अब आप लोग को एकदम बहुत ही आसान लगने लगा होगा क्वेश्चन, सर जी ये तो कंप्लीट हमारा 90 डिग्री का हो गया, पूरा का पूरा यहां से यहां तक, और ये कंप्लीट भी जो है हमारा वो 90 डिग्री का हो गया, बचा कौन सा? अच्छा ये एंगल को पहले 30 दिया हुआ है और ये बच गया, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल का यूज कर रहा हूं वो भी ध्यान से देखना, हम कर रहे हैं आर ओ क्यू और पी, ये वाला जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, जो मैंने नीले रंग से भी मार्क किया हुआ है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का यूज करो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, ये तो आप लोगों को पता है ही। तो यहां पर बस आप लोगों को
आंसर देखो डायरेक्ट लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ। जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको लिख के बताऊंगा। इसको आप ओरली ही बनाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। बोर्ड्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो था टाइम मैनेजमेंट। आपको सारे के सारे आंसर पता रहेंगे, लेकिन टाइम इतना कम लगेगा ना आपको, ना लगेगा यार काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप दिमाग में बनाओगे, जैसे मैं आपको समझाते जा रहा हूँ ना टेंजेंट वगैरह, वैसे आप वहां पर एग्जाम में अपने आप को समझा करके सॉल्व करोगे। लिखना नहीं है, नहीं कि सबको सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। सबसे पहले तो तीनों को प्लस कर दो, तो 90 प्लस 90 प्लस 30 कितना होता है अपने दिमाग में बताओ। 90 90 180, और 30 जो होता है 210 होता है। तो अब हमारे पास तीन एंगल जो है वो 210 बना लिए, तीन एंगल ने मिलकर के 210 बनाया है। और हम क्या जानते हैं कि चौथा एंगल अगर मिला दे तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब चौथा वाला कितने का होगा? आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसमें से 360 में से जो तीन एंगल का सम है उसको माइनस करके निकाल सकते हो, या तो दिमाग नहीं बना सकते हो कि 210 में मैं कितना प्लस करूँ कि 360 आ जाए। तो 210 में 150 प्लस करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 150 आ गया। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा ना बच्चा, ये हमारा 150 डिग्री का होगा। तो ये बन गया हमारा 150 डिग्री का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ हो ना तो फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि नए बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। अब आ जाते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। यानी कि जो फिगर दिख रहा है, इसमें एक सर्कल था हमारे पास जिसका सेंटर ओ था, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और क्या हो रहा है कि पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं। इधर गया टेंजेंट और एक टेंजेंट हमारा इधर आ रहा है। एक टेंजेंट जो है वो क्यू पर जाकर के टच हो रहा है सर्कल के, और एक जो है आर पर जाकर के टच हो रहा है। ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं भैया कि क्यू पी आर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये हमको 90 डिग्री दे दिया है। इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री है। देन लेंथ ऑफ पी क्यू, तो बताइए जो पी क्यू है, ये वाला जो पी क्यू है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, ये पूछ रहा है अपने से। देखो कैसे करना, सबसे पहले तो ओ आर का एक रेडियस बना दो। ये हमने क्या किया, ओ आर नाम का रेडियस बना दिया। आप इसको लिखना तो है नहीं, देखो हमारा ये फिर तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखना है, समझते जाओ। हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया ओ आर जो कि रेडियस था सर्कल का, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमको ये पता चल गया कि भाई जो मेरे एंगल्स हैं, मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ ताकि अलग से दिखे, यहाँ पर हमारा रेडियस और जो टेंजेंट है उससे राइट एंगल बनेगा। यहाँ पर भी हमने रेडियस बनाया और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा राइट एंगल बनेगा, और ये राइट एंगल पहले से दिया हुआ है। तो अगर तीन राइट एंगल है तो दैट मीन्स कि जो चौथा वाला होगा वो भी मेरा क्या होगा, राइट एंगल ही होगा ना। कैसे राइट एंगल होगा वो भी समझ लो। देखो 90 90 और 90 तीन बार प्लस करोगे कितना आता है, 270 आता है। तीनों का जो सम होता है वो 360 होता है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर अगर 360 में से 270 को माइनस करोगे तो तीसरा एंगल, सॉरी जो चौथा एंगल है वो भी निकल करके जाएगा 90 डिग्री का। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है कि चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब आते हैं हमारे ट्विस्ट के पास। ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये साइड इक्वल है, चारों एंगल इक्वल हो गए। किसी भी क्वाड्रेटर में चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। कब होते हैं, जब वो तो या तो हमारा रिक्टेंगल होता है या फिर हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। जब रिक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है तब चारों एंगल हमारे कॉर्नर वाले 90 डिग्री के होते हैं। यहां पर हमारे पास ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये मान लो हमारे पास पी क्यू था और इधर हमारे पास पी आर था। हमारा जो एंगल सॉरी जो पी क्यू होगा वो इक्वल होगा पी आर के, और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारे दोनों क्या है, टेंजेंट है सेम पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनता है बच्चा ना, तो वो आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब पी क्यू और पी आर अगर आपस में इक्वल है, सो इट मीन्स कि ये क्या होगा हमारा, एक स्क्वायर होगा। क्योंकि ये वाला साइड और ये साइड इक्वल कब होता है, जब हमारे पास स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो अगल बगल की एडजेसेंट साइड है। अगर हमारा ये रेक्टेंगल रहता तो उस कंडीशन में क्या होता कि हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल होता, ये और ये इक्वल होता, ठीक है। तो यहां पर हमसे ये क्लियर हो गया कि हमारे चारों एंगल 90 डिग्री का है और एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है, सो ये हमारा स्क्वायर होगा। और अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स बराबर होंगे। तो अगर इधर वाला जो साइड ओ क्यू है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो जो पी क्यू होगा वो भी मेरा 4 सेंटीमीटर ही होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, कौन सा ऑप्शन में लगा हुआ है भैया यहाँ पर, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा पी क्यू है वो 4 सेंटीमीटर का होगा। खत्म क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
ये सब क्वेश्चन आप तब बना पाओगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। इसीलिए देखो मैं बेसिक करा रहा हूँ, अभी आगे मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से जो मुश्किल क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन कराऊँ, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए बनाने में, नहीं तो फिर वो बोरिंग लगने लगेगा। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा, आपको रूल ही नहीं पता रहेगा ना, तो लगेगा अरे यार सर इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करा दिए, कैसे होगा ऐसे सॉल्व, हमसे एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, अगर ये बन गए तो आगे भी बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। देखो भाई ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं आपको समझाता हूँ फटाफट, या फिर हो सकता है तो आपसे बन जाए तो फटाफट बना भी लीजिए। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये जो पी क्यू है ये क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, सर्कल का सेंटर ओ है, एट द पॉइंट बी, और कहां पर टच हो रहा है टेंजेंट, तो ये पॉइंट बी पर टच हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर टच हो रहा है। अगर एंगल ए ओ बी हमारा 100 डिग्री का है ये वाला, देन ए पी बी बताइए कितनी डिग्री का होगा, सॉरी ए बी पी, ए सॉरी ये ए है, ये बी है और ये पी है, ये इधर का एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले क्या काम करो आप लोग ना, कि ये अंदर वाला एंगल निकालो, जब आप अंदर का निकालोगे तो बाहर का देखना बहुत आराम से निकल जाएगा। अब अंदर वाला एंगल कैसे निकालना है तो वो भी समझ लो भाई। यहां पर हमारे पास अगर ये आप ट्रायंगल को देखोगे, इस तरीके से हमारा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर सेंटर है, ऐसे ए के पास गया हुआ है, और इधर हमारे पास ये बी के पास आया हुआ है, इसी तरीके से आया है, और ये ए बी आपस में जुड़े हुए हैं, सॉरी थोड़ा सा सर्कल का लाइन, सॉरी ट्रायंगल का लाइन जो बिगड़ गया कोई बात नहीं, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहां पर 100 डिग्री का बना हुआ है। सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखो कि ऐसे फिगर में हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, हमारा रेडियस है, ओ से लेकर के ए तक रेडियस है, और ओ से बी तक भी रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगे, दो साइड्स हमारे क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे, ओ ए और ओ बी, किसके अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर। तो जब ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेल ट्रायंगल हो जाता है, और उसके क्या होते हैं दो एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट के दो एंगल भी इक्वल होंगे, इट मींस कि हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अब भैया बचा कितना डिग्री, 100 डिग्री पहले से था, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, और क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो हमारे पास 180 में से 100 डिग्री तो यहाँ पर यूज हो चुका है, बचा 80 डिग्री। अब उस 80 को दो बराबर बराबर पार्ट में आपको दे देना है, इधर वाले को दे दो 40 और इधर वाले को दे दो 40, तो दोनों को 40 40 दोगे तो आपका ये जो एंगल है वो करेक्ट निकलेगा। अगर आप एक को ज्यादा और दूसरे को कम दे दोगे, एक को 50 दूसरे को 30 दे दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे दो एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये वाला साइड और ये साइड आपस में क्या था, इक्वल था। ओके तक क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, यहां पर से अगर ऐसे हमारा टेंजेंट जाएगा, मान लो कि मैं एक टेंजेंट बनाता हूं जो कि बी को टच करते हुए जाए, ये हमने टेंजेंट बना दिया, यहां पर हमारे पास पी बना हुआ है ना, हमसे बोल रहा है कि बता ये भैया ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमको क्या पता है कि जब हम लोग रेडियस का यूज करते हैं, देखो ये हमारा रेडियस है ओ से लेकर के बी तक क्या है रेडियस है, और ये टेंजेंट है, तो जो कंप्लीट एंगल बनता है ये व्हाइट वाला और ये ग्रीन वाला को मिला दो तो कंप्लीट एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है, पता है ना भाई, टेंजेंट का और रेडियस का जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है ना, तो हमारा रेडियस ये वाला है और टेंजेंट ये वाला है, तो कंप्लीट एंगल ये व्हाइट वाले को और ये अगर ग्रीन वाले को मिलाओगे तो ये पूरा पूरा 90 बनेगा, उसी तरीके से इस साइड भी पूरा जो है 90 डिग्री का होता है। ओके तो अब भैया अगर ये वाला और ये वाला 90 दोनों मिला करके तो ग्रीन वाला कितने का होगा बताओ, बहुत ही आसान है, ग्रीन वाला 50 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा 50 और 40 जो होता है वही 90 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाली एंगल वो 50 डिग्री का है, सो इट मींस ए बी पी इज इक्वल टू 50 डिग्री, यहां पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा 50 डिग्री। तो ऐसे ही आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इस तरीके से यूज करना है, अपना मेथड माइंड में इसी तरीके से फटाफट बनाना है, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, आप खुद से बनाओगे ना तो एक मिनट के अंदर ही बना लो ऐसे क्वेश्चन को। अब आ जाइए थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन में पहुंचते हैं, अभी तक आप लोग जो कर रहे थे ना वो दूध भात वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा क्लास 10 के लेवल का क्वेश्चन करके दिखाओ तब मैं मानूं। यहां पर क्या बोल रहा है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर हमसे बोल रहा है कि अगर दो टेंजेंट है हमारे पास और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है कंप्लीट एंगल वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, और हमारा सर्कल का जो रेडियस है वो कितने डिग्री वो कितने सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का है, तो बताइए जो टेंजेंट का लेंथ है ये जो एपी बना हुआ है और ये जो बीपी बना हुआ है ये दोनों जो टेंजेंट हैं इनका लेंथ कितने का होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो भाई अब यहाँ पर तो एक समस्या आ गया, समस्या क्या आ गया कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला साइड तो दिया हुआ है, ये साइड इसे मान लो कि हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल वाला ट्रायंगल क्यों है क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये तो दिया हुआ है लेकिन दूसरा कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ रहता तो हम पाइथागोरस से जगह थ्योरम लगाते हैं, लेकिन अब अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कर सकते हैं और वहां से इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे वो समझो, सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना कि अगर डायग्राम नहीं भी आता है तो उसको समझ लो कि इसमें बोला क्या था, हमारे पास बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना,
तो ये ध्यान रखना कि कभी भी जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, जो कंप्लीट एंगल बनता है दो टेंजेंट के द्वारा, देखो इस तरीके से मान लो ये हमारा सर्कल है, यहां पर से ये इधर गया और ये इधर गया, अगर बीच में हमारा 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है और अगर मैं इसको सेंटर से एक सीधा लाइन बनाऊं ना एकदम बराबर, तो यहां पर भी ऊपर मेरा 30 का बनेगा और यहां पर भी 30 का बनेगा, यानी कि जो टेंजेंट होते हैं ना वो एक दूसरे की तरफ एकदम बराबर बराबर एंगल बनाते हैं। अगर बीचों बीच उसको डिवाइड किया जाए तो ऊपर भी 30 नीचे भी 30 होगा। अगर टोटल यहां पर मान लो 90 डिग्री का एंगल बनते रहता तो ऊपर 45 नीचे 45 होता, अगर 50 बनता तो ऊपर 25 नीचे 25 होता, ये चीज बस आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे 30-30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्रायंगल का यूज करने वाला हूं। कौन से ट्रायंगल का, तो मैं PBO, ये जो ट्रायंगल है ना राइट एंगल वाला, ये देखो जिसको मैंने अभी मार्क किया, ये वाला ट्रायंगल, इसका मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा। देखो 30 डिग्री तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल जो 30 डिग्री का, इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल 30 डिग्री का है। अब इसमें लोग साइन थीटा वाला रूल लगाए कि हमारा कॉस थीटा वाला लगेगा कि हमारा टेन थीटा वाला लगेगा, तो इसके लिए जल्दी से आप लोग को ये वाला चीज पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद वाला, जो सब टीचर आपको बताएंगे, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को इस तरीके से डिवाइड कर दो। अब देखो कि हमारे पास है क्या, हमारे पास परपेंडिकुलर है और उसके बाद फिर नीचे में हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मतलब कि ये वाला, हमको ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए हमको, तो भैया बेस चाहिए ना। अगर कोई भी राइट एंगल बना हुआ है, देखो इस तरीके से अगर राइट एंगल बना हुआ है तो इसको हमारे पास परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो है हमारा ये बेस होता है, ठीक है। ये पी है, ये बी है और ये एच है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है पी, है ना। अब देखो इसमें P दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, B निकालना है। तो P और B किसमें आपको दिखेगा, आपको इसमें दिखेगा tan थीटा वाले में, tan में, या फिर उल्टा कर दो तो cot में भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग tan का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर P डिवाइड बाई B हम लोग यूज करेंगे और P बाई B होता है tan का वैल्यू, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे tan का वैल्यू। tan का कौन सा, तो tan 30 का। देखो ऐसे तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि इसके नोट्स में जब प्रोवाइड करो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन तो इजी थे आपको वर्बली समझ में आ गए होंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ताकि आपको जब कंफ्यूजन हो ना तो दोबारा से नोट्स देख लेना, टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। इधर हमारे पास P यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है भैया, OB है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले OB लिख देता हूँ और नीचे में जो बेस है वो क्या है, PB है, तो यहाँ पर मैं PB लिख देता हूँ। यहीं से हमारा आंसर आएगा, देखो ये जाएगा 1/√3, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर, नीचे में PB और यही तुमको चाहिए, टेंजेंट का ही वैल्यू तो चाहिए अपने को, PB को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका PB, 1 से मल्टीप्लाई होकर PB ही रहेगा, उस साइड में 3 था और √3 से मल्टीप्लाई होकर 3√3 बना लेगा, तो ये ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। इट मींस द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का भी यूज करना पड़ सकता है भैया, तो देख लो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए भरपूर। अब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, यहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। ये जो आपको PQ दिख रहा है ये क्या है, टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है और यहां पर से हमारे पास राइट एंगल बनेगा, क्योंकि भैया टेंजेंट और जो रेडियस है वो हमारा क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। अब हमसे क्या बोला गया है कि OPQ अगर हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो, यानी कि ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो बताइए OQP कितने का होगा, OQP ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहला चीज हम जान रहे हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के अपोजिट में तो हाइपोटेन्यूज होगा, वो तो हमारा इक्वल होगा नहीं, बचा कौन सा साइड, ये वाला साइड बचा और ये साइड बचा, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको मैं फटाफट लिखता हूं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि इन ट्रायंगल POQ या फिर कुछ भी लिख दो नाम, यहां पर जो भी ट्रायंगल का नाम दिया हुआ उससे जरूरत नहीं है, आप POQ ही लिख सकते हो। हमारे पास जो PQ है वो इक्वल है POK और इसीलिए हमारा जो एंगल OQP होगा वो इक्वल होगा किसके, तो एंगल QOP के ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और दोनों को हमने यहां पर x मान लिया। वैसे तो डायग्राम में x दिख रहा है फिर भी हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन क्या है इसका, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, यही इसका रीजन है। अब आप लोग आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम जानते क्या है कि भैया हमारे पास ये जो एंगल बना हुआ है वो राइट एंगल बना हुआ है क्योंकि टेंजेंट से बना हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देना आप लोग कि हमारे पास एंगल जो है
QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा इसके रीजन भी लिख देना यहां पर कि हमारा टेंजेंट और रेडियस से बना हुआ एंगल है, ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस वाला एंगल है। जो भी इसका डिटेल वाला रीजन है वो आप लिखते रहिएगा, दो नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में लोग नहीं जाएंगे। तो QPO हमारा 90 डिग्री आ गया। अब आप लोग इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो लगा दो। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो एंगल OQP है, सॉरी OQP पहला एंगल, दूसरा जो एंगल है हमारे पास एंगल QOP, और जो तीसरा एंगल है ये वाला एंगल QPO, इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से इनके बदले में x प्लस एक्स लिख लेंगे, प्लस में 90 डिग्री डाल दो उसके बदले में, ये वाले के बदले में इक्वल टू साइन में 180 आ गया। तो ये बन गया आपका 2x इक्वल टू 90। जब ये 90 इधर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, और 180 से 90 माइनस होता है तो 90 आ जाता है। सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90, और ये 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, सो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। x यानी कि कौन सा एंगल, तो ये वाला एंगल, यानी कि हमारा जो एंगल जिसका नाम हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ था OQP, ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दो नंबर क्वेश्चन है, डिटेल में ऐसे आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसे बनाया जाए। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन। अब इसमें कहा क्या गया ये समझते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रखना कि ऐसा एक नया क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, और जो कॉन्सेप्ट मैं भी आपको समझाने वाला हूँ ना, इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इस फिगर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो ट्रायंगल है वो अपने अंदर में एक सर्कल को ऐसे इंस्क्राइब कर लिया हुआ है, सर्कमस्क्राइब कर लिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, बताना है आपको कि ये जो टेंजेंट यहाँ पर BC बना हुआ है, जो सर्कल को मैं टच होते हुए जा रहा है ना, इसका लेंथ कितना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भैया टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट अगर मेरा बी है, तो बी से क्यू तक ये हमारा एक टेंजेंट बना है, और बी से पी तक ये टेंजेंट बना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनते हैं सर्कल के ऊपर, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इस और इसको क्या बोलते हैं, सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट कहा जाता है। तो बी से क्यू तक और बी से पी तक क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं ना इस फिगर को, ताकि मुझे अच्छे से यहाँ पर लिखने बने। चल भाई तुम थोड़ा सा और छोटा हो जाओ, थोड़ा सा साइड में चला जाओ, बच्चों को दिखना भी है और समझाना भी है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां से शुरू करो। अच्छा हम लोग को अगर BC निकालना है, BC लेकर किसी तक अगर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये BQ का पता करना पड़ेगा, और ये जो QC है ये पता करना पड़ेगा। ये दोनों अगर लेंथ मुझे पता चल जाए तो मेरा कंप्लीट निकल जाएगा, और ये पता करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है भाई, तो सबसे पहले तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि जो मेरा BP और जो BQ है ये इक्वल है। यहां पे लिखो BP इज इक्वल टू BQ, और दोनों कितने के होंगे, तो दोनों हमारे 3 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि BP 3 का है तो BQ भी 3 का ही होगा। ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से ये हमारे क्या हो गए, दोनों इक्वल टेंजेंट हो गए, ठीक, ओके। अब हम लोग आते हैं कि ये हमारा जो QC है ये कैसे निकले। तो QC और जो CR है वो इक्वल है, लेकिन CR का लेंथ हमको दिया नहीं है, हमको पूरा A से लेकर के C तक का लेंथ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले AR का लेंथ निकालेंगे और फिर हमारा CR निकल करके आएगा, जब CR निकल जाएगा तो हमारा CQ निकल जाएगा। तो AR का लेंथ कितना है, तो यहां पर फिर से देखो A से P तक गया और A से R तक गया हुआ है, इसका मतलब कि AP और AR भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कि भैया मेरा जो AP है वो इक्वल है AR के, और उसका भी सेम ही रीजन है, तो बार बार रीजन नहीं लिखना आपको एग्जाम में। दोनों कितने के होंगे, दोनों 4 सेंटीमीटर के होंगे। यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये वाला मैंने 4 निकाल लिया है। अब लोग निकालेंगे पूरा का पूरा AC में से CR, तो CR कितने का होगा, देखो यहां पर अगर मैं सी आर निकालता हूं तो उसके लिए मैं पूरे ए सी में से माइनस कर दूंगा ए आर को। तो ए सी हमारा टोटल कितना था, 11 था, दिया ही हुआ है सामने में आपको दिख रहा होगा, ये देखो 11, उसमें से ए आर यानी कि 4 को माइनस कर दो, तो जो सी आर है वो 7 निकल करके आ गया। कौन सा 7 निकल करके आ गया, ये वाला। तो अगर ये 7 है बच्चा तो ये भी 7 ही होगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा हमको कि भैया जो हमारा सी क्यू है वो इक्वल है सी आर के, और दोनों जो होंगे वो हमारे 7 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। लास्ट में अब आपको लिखना है एक काम आखिरी में कि भाई जो BC है, BC यानी कि जो साइड हमसे पूछा हुआ है वो दो पार्ट से बनना है, एक है BQ और दूसरा है QC या फिर CQ जो लिखना चाहो, चलो CQ लिख देता हूं क्योंकि यहां पर मैंने CQ वर्ड यूज किया है। तो ये हो जाएगा BQ कितना है भाई, BQ हमने 3 निकाला था और CQ हमने यहाँ पर 7 निकाल लिया, तो 7 और 3 मिला करके हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो टोटल हमारा BC है यहां से यहां तक ये कितना भैया, तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। खत्म इस क्वेश्चन का भी खेल। तो ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए ना कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट बनता है वो आपस में इक्वल होता है। तो देखो अगर आप शुरू से नहीं भी पढ़े होगा ना सर्कल, फिर भी जितना मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं आपको
बहुत सारे रूल जो है ना याद हो जा रहे होंगे, और ये रूल जब याद हो जाएंगे ना तो एग्जाम में इन रूल्स के यूज करके आप कंफर्म है कि आप आंसर बनाओगे, तो मुझे अच्छे से भरोसा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग इतने बुड़बक नहीं हो। अगर आप वीडियो ढूंढ करके पढ़ रहे हो, मेरे वीडियो में अगर पहुंचे हुए हो, तो थोड़ा सा जो दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहते होगे। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने और फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन बनाए हम लोग। अब आ जाओ एक अगले क्वेश्चन में, जो कि पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर हमने पिछला क्वेश्चन समझ लिया ना, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से बनेगा। और देखो ये कितने बार आ चुका है, 2019 में, 2016 में, अलग अलग टाइम पे आए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन करके ही जाना, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, भी और क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप से। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, उसी टाइप से सर्कल जो है अंदर में इंस्क्राइब है यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी के अंदर, जिसमें जो साइड बीसी है ये बी से लेकर सी तक 8 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारा ए सी है ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एल, बी एल मतलब कि ये वाला जो साइड है यहां से यहां तक ये निकालना है आपको। उसके बाद फिर कौन सा निकालना है, सी एम निकालना है, ये यहां से लेकर के यहां तक इसको निकालना है, और उसके बाद फिर ए एन निकालना है, यानी कि ये वाला साइड जो है ये निकालना है यहां से यहां तक, ठीक है। बहुत ही आराम से बनाएंगे, ये भी बहुत इजीली बनेगा। सबसे पहले तो आप यहीं से स्टार्ट कर लो कि जो मेरा बी एल है और जो बी एन है इक्वल होगा। पिछले क्वेश्चन में समझ में आ गया कि ये एक्सटर्नल पॉइंट्स जब टेंजेंट सर्कल को टच करता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं रीजन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि भैया जो बी एल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बी एन के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, इसको कुछ एक्स वाई जेड करके तो बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं हमारा आंसर, डायरेक्ट भी निकल सकता है लेकिन उसमें फिर बार बार आपको बी एल सी एल है ना सी एम ये सब लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं कि बी एल और बी एन जो है दोनों इक्वल है, दोनों को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो साइड बी एल था इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये एक्स है, तो अब मुझे अगर इधर से सी एल और सी एम निकालना है तो वो क्या होगा वो बताओ मुझे। तो देखो टोटल जो बी सी है इसमें से अगर बी एल को माइनस करोगे तो हमारा सी एल निकल करके आएगा, तो बी सी कितना है 8 है, 8 में से इस x को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट निकल कर क्या जाएगा, यानी कि जो मेरा सी एल है ना वो क्या होगा 8 माइनस x होगा। समझ में आया ना, 8 माइनस x कहां से आया, टोटल हमारा जो था बी सी वो 8 था, 8 में से हमारा ये पार्ट जो हमने उसको x मान लिया है, तो इधर वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसे निकलेगा, हम लोग टोटल 8 में से x को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट निकल कर क्या जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना भी पड़ेगा भाई कि भैया जो हमारे पास सी एल है, सी एल वो इक्वल है सी एम के, दोनों सेम टेंजेंट वाले हैं और दोनों का जो वैल्यू है वो है कितना 8 माइनस में एक्स। अब आ जाओ तीसरे वाले के पास, तीसरा कौन सा, ए से जो बन रहा है, अभी तक हमने बी वाला और सी वाला यूज कर दिया, अब ए से जो टेंजेंट बन रहे हैं उसके पास आ जाओ। तो यहां पर भी हमारे पास जो ए एन और ए एम होगा वो होगा तो इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, हमारे पास ए एम और जो ए एन है वो इक्वल है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर भी ध्यान देना कि टोटल जो हमारे पास है ये वाला पार्ट हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं, आप इधर से भी कर सकते हो, मैं इधर से यूज कर लेता हूं। टोटल हमारे पास कितना है 12 है, ये वाला जो सी एम है ये 8 माइनस एक्स है, ये अगर 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स है, तो टोटल 12 में से अगर मैं 8 माइनस एक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरा ए एम निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर मैं ए एम निकालने के लिए क्या करूंगा कि टोटल 12 में से माइनस कर दूंगा हमारे पास सी एम को, जिसकी वैल्यू थी 8 माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस में 8 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस में एक्स, तो 12 में से 8 माइनस हुआ तो हो जाएगा 4 और ये प्लस में एक्स आ जाएगा। इट मींस कि जो हमारा ए एन है ये वाला पार्ट और ये जो ए एम है ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस एक्स, तो इसको आप लोग 4 प्लस में एक्स इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब आपको यहीं पर देखो आपका खेल खत्म इस क्वेश्चन का, अब आपका आंसर आना आने ही वाला है फटाफट, बस आप काम का बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट ए बी है इसका यूज करके हम लोग एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो ए बी है ना वो दो पार्ट से बना हुआ है, कौन कौन से दो पार्ट, एक हमारा बी एन है और दूसरा हमारे पास ए एन है, इन्हीं दोनों से मिलकर के ए बी बना हुआ है। ए बी का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी के बदले में यहाँ पर 10 लिख लो। बी एन का जो वैल्यू था वो हमने एक्स माना था, है ना, बी एन का वैल्यू क्या था, बी एन और बी एल इक्वल थे तो एक्स था, और उसी तरीके से जो ए एन है वो हमने भी निकाल लिया 4 प्लस में एक्स, तो यहां से ये हमारा इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस में 4 इक्वल के उस साइड में 2x आ गया, तो ये हो गया आपका 6 इक्वल टू 2x, जब 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 3 बन जाएगा, 3 इक्वल टू एक्स लिख लो या एक्स इक्वल टू 3 लिख लो, बतिया एक ही होती है। सो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 3 निकल कर गई। अब सारे आपके जो साइड्स है ना वो फटाफट निकल गए, देखो कैसे निकल गया। तो हमारे पास बोला था कौन सा साइड बी एल फाइंड करने बोला था ना, फाइंड बी एल, तो बी एल जो था उसको हमने एक्स माना था, तो एक्स कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, खेल खत्म, पहला साइड निकल गया। दूसरा था सी एम, सी एम को हमने क्या लिया था 8 माइनस एक्स लिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस में 3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये भी निकल गया।
और तीसरा वाला जो था हमारे पास कौन सा था, ए एन था। सो ए एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ए एन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 प्लस में x है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में x, यानी कि 4 प्लस में 3 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखा आपने जो तीनों साइड्स हमको बोले थे वो तीनों आराम से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है जैसे पिछला क्वेश्चन बना था, सेम टू सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। ये रहा एक और मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा ये अलग है पिछले क्वेश्चन से, वहां पर ट्रायंगल बना हुआ था, यहाँ पर आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें भी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो सेम ही यूज होने वाला है। जो टर्म्स हम वहां पर यूज करें वही यहाँ पर भी यूज करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन पहले रीड करके समझाता हूँ, फिर कैसे सॉल्व करना ये समझाऊंगा। सो थोड़ा पहले तो बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिखे ये क्वेश्चन। देखो दिख रहा है अच्छे से, अब समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सब्सक्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एडी जो है परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। यानी कि जो हमारे पास ये दिख रहा होगा आपका क्वाड्रिलेटरल, ये क्या क्या है, सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। साथ ही हमसे बोला जा रहा है कि जो एडी ये वाला जो साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है, साफ साफ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस है देखो जो OS है और जो OP है ये दोनों क्या है हमारे 10-10 सेंटीमीटर के हैं, है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए जो x है ना, x मतलब कि कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक, ये जो a से b तक का लेंथ है वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहला चीज कि हमारा दो साइड इक्वल है, ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, और जो एंगल्स बन रहे हैं सभी वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्यों 90 डिग्री के बन रहे हैं भाई, जैसे मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया था ना ऑब्जेक्टिव वाला, वैसे ही है, यहाँ पर भी राइट एंगल बना है, यहाँ पर भी राइट एंगल बना है, तीन राइट एंगल है तो चौथा वाला तो राइट एंगल होगा ही। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो तीन नंबर देके जाएगा आपको कम से कम। यहाँ पर आप इसको लिखोगे, सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करोगे, इसको स्क्वायर प्रूव करके, ठीक है, स्क्वायर अगर साबित करोगे ना तो आगे बन जाएगा काम। तो सबसे पहले लिखो कि हमारे पास जो एंगल ओ एस ए है या फिर एंगल ए एस ओ वो इक्वल है ए पी ओ के, एंगल ए पी ओ का, और दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री से हैं, क्योंकि हमारे एंगल बिटवीन कौन से, हमारा टेंजेंट और रेडियस के बीच वाला है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच वाले एंगल, इसीलिए आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे। अब हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चौथा एंगल होगा ये वाला एंगल वो भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इसको डायरेक्ट लिखोगे आप लोग को कि इन क्वाड्रिलेटरल एस ओ बी पी, सॉरी बी ए या फिर कुछ भी अच्छा सा नाम लिख देना, ए बी ओ एस लिखते ज्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे इसका नाम लिख दिया। हमारे तीन एंगल्स इक्वल आ गए, तीन एंगल 90 डिग्री के आ गए, हमारा जो एंगल ए एस ओ है वो भी वो इक्वल है एंगल ए पी ओ के, और वो इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है एंगल एस ए बी का, तीनों हमारे 90 डिग्री हैं। सो डायरेक्ट लिखना, इसलिए हमारे पास जो चौथा एंगल होगा, चौथा एंगल कौन सा, ये वाला जिसका नाम एस ओ बी है, ये भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। कौन से रूल से हुआ, तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है उससे हुआ कि तीन एंगल 90 के हैं तो चौथा भी 90 का होगा, तभी जाकर के चारों का जो हमारा सम है वो 360 आएगा, ठीक है। तो हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो हमारा जो एस पी ओ क्यू है, ये वाला ऐसी एक एस पी ओ क्यू बोल रहा हूँ यार, एस ओ बी बी कहां से मैं लिख दिया भाई नाम, क्वाड्रिलेटरल का नाम, यहाँ पर मैं बी इसको देख लिया, सॉरी बच्चा, तभी बोलूँ कि ये पी था यहाँ पर ना, तो एस ए बी, अच्छा इसका ऐसे बी भी नाम हो सकता है, ये एंगल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ चलो कर ही देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ था, तो इसको ऐसे पी कर देते हैं, बस यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, एस ओ बी ए नहीं एस ओ पी ए होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, इस एंगल से वो मेरे को बी दिख रहा था यहाँ पर से, कोई बात नहीं, होता है, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो एस ओ पी है, ये जो एंगल है लास्ट वाला, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। सो अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि हमारे पास ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे एंड हमारा जो एस ओ है वो इक्वल है ओ पी का, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल इसका नाम प्यारा से मैं रखता हूँ एस ओ पी ए, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इज अ स्क्वायर, ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब अगर ये स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगे, इट मीन्स जो एस ओ होगा और ए पी होगा वो भी आपस में 10 सेंटीमीटर के होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ए पी है वो मेरा हो जाएगा एस ओ के बराबर, और दोनों जो होंगे वो 10 सेंटीमीटर के होंगे। अभी मेरा काम आधा हुआ है, आधा कहाँ से हुआ है भाई, अभी हमने केवल ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक निकाला है 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 निकला है ना, अभी ये जो ब्लू वाला पार्ट बचा हुआ है ये वाला, इसको निकालना काम अभी अधूरा है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बी से पी तक कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट वाले रूल के पास। ये सी था हमारे दूर में एक पॉइंट, उसने दो टेंजेंट बनाए हैं,
एक टेंजेंट हमारा सी क्यू दिख रहा है आप लोगों को, है ना, वो सी बी है टोटल, तो क्यू में टच हो रहा है, और दूसरा है हमारा सी डी जो कि आर में टच हो रहा है सर्कल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी आर होगा और जो सी क्यू होगा वो बराबर होंगे क्योंकि दोनों सर्कल पे टच हो रहे हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई जो मेरा सी क्यू है, सी क्यू वो इक्वल है सी आर के, ठीक है, सी क्यू इक्वल टू सी आर। तो भाई देखो ये जो सी आर था वो 27 था, इसका मतलब सी क्यू भी क्या होगा 27 का ही होगा, तो यहाँ पे 27 लिख देता हूँ मैं, 27 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमको टोटल लेंथ दिया हुआ है वो सी बी का दिया हुआ है, मुझे यहां से क्या निकालना है, बी क्यू निकालना। अगर बी क्यू निकल गया तो बी पी बराबर होगा क्योंकि ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से इधर भी टेंजेंट गया और यहां से इधर भी टेंजेंट आया है, तो ये दोनों हमारे टेंजेंट जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहां पर से ये जो बी क्यू है वो निकालना है। बी क्यू के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि जो मेरा बी क्यू है वो पूरे के पूरे सी बी का, देखो इसको ध्यान से समझना है ना, मेरे को अगर बी क्यू निकालना है तो वो क्या है, पूरे सी बी में से माइनस करना पड़ेगा सी क्यू को, सी से बी तक में से अगर सी क्यू को माइनस करेंगे तो मेरा बी क्यू निकल करके आ जाएगा। तो सी बी था टोटल 38, उसमें से जो सी क्यू है वो हमने देख लिया कि 27 है, तो 38 में से 27 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11, ठीक है, यानी कि जो बी क्यू है वो 11 है। नाउ जो बी क्यू है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है हमारे बी पी के, क्योंकि दोनों वही चीज यहाँ पे लिखोगे कि हमारे टेंजेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट यहाँ पर वही रीजन है ना, यहाँ पर और यहाँ पर सेम रीजन होंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं। तो दोनों का जो लेंथ होगा, दोनों का लेंथ हो जाएगा यहाँ से 11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये आ गया है यहां से लेकर के यहां तक 11, और इधर जो है हमारे पास 10, भले बड़ा वाला 10 दिख रहा है छोटा 11 दिख रहा है उससे घबराना नहीं है, डायग्राम ऐसा रहता ही है उल्टा सीधा, आपको आंसर पे भरोसा करना है कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है। सो लास्ट में अब आपको लिखना है ए बी, और ए बी जो था वो दो पार्ट से बना था, एपी से और बीपी से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई जो मेरा ए बी था वो दो पार्ट से बना था, एक था एपी और दूसरा था बीपी। एपी का लेंथ हमने 10 निकाला था और बीपी जो है उसे हमने 11 निकाल लिया, सो यहाँ पर 10 और 11 मिलकर के हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। एक आकर लिख रहा हूँ भाई, मेरा ध्यान कहाँ है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा लगता है थक गया हूं मैं, कोई बात नहीं होता है। तो जो ए बी था हमारा ना भैया वो 21 सेंटीमीटर था, यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, ए बी ही पूछा था ना। देखो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कि टोटल ए बी, और जो ए बी है वो हमारा हमारा अगर 21 है तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो भी 21 होगा। लास्ट में लिख भी देना, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी जो था वो एक्स के बराबर ही था, दोनों 21 सेंटीमीटर। क्या आप लोग लिख भी देना स्टेटमेंट बना करके कि सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरीके से यूज होगा और ये भी बहुत ही आसानी सॉल्व होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमसे बोल रहा है कि इस आपको फिगर में जो दिख रहा है ना, इसमें पी क्यू जो है वो 28 सेंटीमीटर, बस एक साइड दिया हुआ है, वो भी साइड नहीं वो टेंजेंट दिया हुआ है पी से लेकर के क्यू तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना भैया यही 28 सेंटीमीटर है। बताइए जो पेरीमीटर होगा पी एल और एम का, ये वाला ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। कैसे सॉल्व करें, कैसे पेरीमीटर निकालें, भाई पेरीमीटर के तो तीनों साइड का जरूरत होता है ना, तीनों साइड जब हमको पता रहते हैं तब पेरीमीटर निकलता है, यही सीखे अभी तक। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि टेंजेंट में दिया हुआ है तो ये आसान हो गया है काम। कैसे आसान है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो हमारा क्यू से लेकर के एल तक है ना, ये जो पार्ट है क्यू एल, इसको मान लो एक्स, और जो हमारा एल एन है वो भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एल से लेकर के अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो देखो एल से क्यू तक ये हमारा टेंजेंट है और एल से एन तक ये भी टेंजेंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट एल पे बन रहा है, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी मेरा x हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे साइड भी एक काम करो कि m जो है हमारा इस पॉइंट से n के पास जा रहा है और m से t के पास जा रहा है ना, दोनों आपस में एक्चुअली में टच हैं, तो mn और mt जो है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बने हुए हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, इसको भी y मान लो और इसको भी y मान लो, ठीक है। अब हमारा यहीं से काम शुरू होता है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि जो भैया PQ था वो कितना था, तो वो हमारा टोटल 28 सेंटीमीटर था। हमने क्या किया, हमने QL को, हमने QL को लेट करके आप लिखेंगे कि लेट QL इज इक्वल टू LN, QL और LN जो इक्वल चीजें हैं वो हमारे दोनों x हैं, ठीक है, उसको हमने दोनों को x मान लिया, और क्यों हमारे दोनों इक्वल है ये भी रीजन लिख दोगे आप लोग कि हमारे सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, मैं बार बार नहीं लिखता हूं, मैं बस सेम करके छोड़ देता हूँ। उसी तरीके से दूसरे साइड का भी लिख देना कि जो भैया हमारा एम टी था वो इक्वल था एम एन के, ठीक है, और ये दोनों को हमने y मान लिया है, और इसका भी रीजन सेम था कि ये दोनों सेम एक्शन पॉइंट से थे, दोनों इसीलिए आपस में इक्वल होंगे। अब आ जाओ कि हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए भैया ये PL, ये PL ही चाहिए ना, तो इस PL को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
पूरे पी क्यू में से इस क्यू एल को माइनस कर देंगे तो मेरा पी एल निकल करके आएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि अगर मुझे पी एल का जरूरत है तो पी एल के लिए मैं पूरे पी क्यू में से माइनस कर दूंगा, सॉरी इक्वल की साइन बन जा रही है, माइनस कर दूंगा क्यू एल को। पी क्यू कितना था, पी क्यू था 28, उसमें से माइनस करूंगा किसको, क्यू एल को माइनस करूंगा, और क्यू एल क्या था, एक्स था, तो ये हमारा 28 माइनस एक्स बन गया। उसी तरीके से अगर मुझे पी एम चाहिए तो मुझे पूरा पी टी में से ये जो टी एम या एम टी है इसको माइनस करना पड़ेगा तो मेरा पी एम निकल करके आएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ऑल्सो जो पी एम है वो हमारा टोटल पी टी जो दूसरा वाला टेंजेंट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, तो हमारे एम टी को माइनस करना पड़ेगा। पी टी कितना है, तो पी टी भी 28 होगा। क्यों होगा, इसको भी आप लोग शुरू में ही लिख देना कि पी क्यू इक्वल टू 28, और पी क्यू जो है ना वो एक और चीज के इक्वल है, इसको मैं यहीं पे मिटा कर लिख देता हूं कि जो पी क्यू था वो पी टी के बराबर था, पी क्यू और पी टी बराबर थे और दोनों जो होंगे 28 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट है पी क्यू और पी टी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पी से बने हुए, तो यहां पर भी यही रीजन को आपको उतार देना सेम टू सेम, ठीक है। तो जो ये भी था हमारा PT 28 था, उसमें से MT यानी कि Y को माइनस कर दो। अब आ जाओ आप लोग पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर अगर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था, PLM था, क्वेश्चन में क्या नाम दिया था, हाँ क्वेश्चन में PLM ही दिया हुआ था। तो ट्रायंगल PLM का अगर पेरीमीटर निकालना है तो मुझे तीन चीजों को प्लस करना पड़ेगा, एक PL को प्लस करना पड़ेगा जो यहां पर है, दूसरा PM जो दूसरा वाला साइड उसको प्लस करना पड़ेगा, और तीसरा जो हमारा L से लेकर के M तक है तीसरा साइड उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो PL कितना है, PL हमने देखा कि 28 माइनस में X है, PM कितना है तो 28 माइनस में Y है, और जो LM है इक्वल की साइन जरूर लगाना, LM जो है वो दो पार्ट से बन रहा है, एक हमारा LN है और एक हमारा MN है, इधर हमारा X और यहां पर हमारा Y है, तो LM जो है वो दो पार्ट से बन रहा है, एक है X और दूसरा है Y, ठीक है। तो x प्लस वाई यहां पर लिख दो उनके बदले में। अब देखो ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, बचा क्या 28 प्लस में 28 इक्वल टू हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर, और यही होगा इसका फाइनल आंसर, जो पेरीमीटर था इस वाले ट्रायंगल का वो कितना था, तो 56 सेंटीमीटर था। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करना है। So, अब हमारे पास दो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जिसमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, और दूसरा एक और क्वेश्चन है वहां पर भी कुछ प्रूव करने के लिए ही है। आइए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बड़े नंबर देकर के जाते हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स देकर के जाएंगे। देख लेना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम जब अपने अंदर में एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर में एक सर्कल को जब पैक कर लेता है, नॉर्मल लैंग्वेज में इंस्क्राइब सब्सक्राइब जो होता है जब वो कर लेता है, तो उस कंडीशन में वो जो पैरेललोग्राम होता है ना वो एक्चुअल में एक रोम्बस होता है। अगर एक रोम्बस रहेगा तभी एक पैरेललोग्राम क्या करेगा, अपने अंदर में एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। क्या बोलते हैं यार, कैसे कैसे इंग्लिश में वर्ड दे दिया गया है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो देखो अपने को अगर इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या कर सकते हैं, रोम्बस प्रूफ करने के लिए किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो सिंपल है, उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही, ये तो पहले से पता है कि हमारा जो ए बी होगा और जो सी डी होगा वो पहले से इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो मुझे इसके चारों साइड्स को आपस में प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा कि ए बी को और ये जो बी सी है इसको इक्वल प्रूफ कर दूंगा, या फिर ए बी को और ए डी को इक्वल प्रूफ कर दूंगा, किसी को भी अगल बगल के साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, क्योंकि अगर ये और ये पहले से इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, अगर मैं इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया इसका मतलब कि चारों क्या हो गए आपस में इक्वल प्रूफ हो गया डायरेक्टली। तो जब चारों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो हमारा ए बी सी डी जो होगा वो एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो हम लोग वही लिखते हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ए बी होगा वो इक्वल होगा सी डी के ऊपर नीचे वाला साइड, उसके अलावा जो बी सी साइड उधर वाला है वो इक्वल होगा ए डी के, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि सर्कल है अंदर में, और हम लोग सर्कल वाला जानते ही हैं कि सर्कल अगर आ गया तो एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो रूल है हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट, वो रूल तो हम लोग यूज करेंगे ही। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा एपी है और जो एएस है वो आपस में इक्वल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो एपी है वो इक्वल है एएस के, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग बाद में यूज करेंगे ना, इसको ऐसे करके क्लोज करके मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना करके छोड़ देता हूं, इसका फिलहाल यूज नहीं होगा। एपी और एएस इक्वल है, उसके अलावा हम लोग अगर इधर देखें तो मेरा बी पी और बी क्यू भी इक्वल है,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि BP इक्वल है किसके भैया, BQ के। सबका रीजन पता है ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट है इसीलिए आपस में इक्वल हो रहे हैं। B से P तक बना हुआ टेंजेंट, B से Q तक बना हुआ टेंजेंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर B है इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसी तरीके से मेरा जो CR है और जो मेरा CQ है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो CR है वो इक्वल है CQ का। लास्ट में हमारे पास बन रहा है कौन सा, D से। तो D से हमारे पास DS और हमारा जो DR है वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग DS इक्वल टू DR। अब क्या करो, सभी को आपस में ऐड कर दो। ये जो इक्वेशंस बने हैं ना, सबको अगर आपस में ऐड करेंगे, मैं चाहता हूँ कि रुक जाओ पहले देख लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे AP और प्लस में BP चाहिए तो मेरा AB आ जाएगा। और उसी तरीके से CR और DS, CR कहाँ पर है भैया, CR ये रहा और DR नहीं आ रहा है, मैं DR को इधर कर देता हूँ। दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो। अभी बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूंगा तब। अब क्या करें, हम लोग इन सभी को ऐड कर देते हैं। अगर अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, AP प्लस में BP प्लस में CR और प्लस में DR इक्वल के उस साइड में हो जाएगा मेरा AS प्लस में BQ प्लस में CQ और प्लस में हमारे पास DS। ठीक है, DS को इधर ही लाकर लिखना पड़ेगा मुझे लास्ट में, क्योंकि हमारे पास AP और BP मिला दो, देखो AP को और BP को मिला दो तो क्या बनेगा, AB बनेगा, इसीलिए मैं इसको इधर किया था। ये मेरा पूरा AB बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दो CR और DR को, तो CR और DR मिला दो तो पूरा CD बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CD, ठीक है। इक्वल के साइड में AS और DS, AS को और DS को अगर मैं साथ में लिख देता तो भी अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो मेरा AS और DS मिलकर के क्या बन रहा है, ED बना रहा है। तो यहाँ पर मैं ED लिख देता हूँ। BQ और CQ मिलकर के क्या बन रहे हैं, तो BQ और CQ मिलकर के पूरा पूरा BC बना दे रहे हैं। तो ये मेरा पूरा BC हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या देखा था कि AB और CD बराबर है, तो मैं यहाँ पर CD के बदले में AB लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहीं पर बगल में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमारा जो पहला इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर AB के बदले में AB रखने देते हैं और जो CD है उसके बदले में भी AB कर देते हैं। उसी तरीके से इस साइड हमारे पास AD है और BC है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल थे, तो मैं इसके बदले में क्या कर देता हूँ, AD लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा AD और प्लस में AD, तो ये बनेंगे आपका, देखो आंसर ये हो जाएगा आपका 2AB इक्वल कुछ साइड में 2AD। अब यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो आपका जो AB है वो इक्वल हो जाएगा AD के। देखो क्या आ गया, ये AB और ये AD आपस में इक्वल हो गए। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, ये ऑटोमेटिकली एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना कि सो हेंस देयरफॉर जो लिखना चाहो, ABCD जो है वो एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। तो ये बन गया भैया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, हम लोग उसे भी फटाफट बनाते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है वो। सो फाइनली आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप लोगों को 2 बार रिपीट हो भी चुका है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, अच्छा मान लो इसका डायग्राम नहीं अगर दिया हो रहा है, बस क्वेश्चन आता है डायग्राम अगर नहीं दिया रहता तो आप डायग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ, बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, तो मैं लोग एक सर्कल बना लेंगे आप लोग पहले फटाक से। उसे बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो आप ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग ट्रायंगल को क्या बनाते हैं, ऊपर नहीं बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल इसके ऊपर बनाना, और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि ये सर्कल जो है ना इस ट्रायंगल के साइड BC को टच किया था, तो ये इसका मतलब कि BC साइड होगा तभी तो टच हो रहा है। और इस ट्रायंगल का नाम बोला था ABC था, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए होगा हमारा पॉइंट ऊपर वाला। अब हमसे बोल रहा है कि एट P एंड एक्सटेंडेड, यानी कि कहां पर टच हो रहा है, एट P पर टच हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो था वो P था, एंड एक्सटेंड साइड AB एंड AC, AB को आगे बढ़ाता है और AC को भी आगे बढ़ाता है। AB कहां तक बढ़ा रहा है, तो AB को हमारे पास Q तक बढ़ा रहा है। तो देखो भले मेरा बाहर निकल जा रहा है, लेकिन जब कभी भी इस तरीके से ट्रायंगल टच होता है ना, तो हमारा ये जो सर्कल है इसको भी टच करता है, यहाँ पर भी ये टच होगा ही होगा जब उसका एकदम प्रॉपर तरीके से बनाओगे तब। तो ये हमारे यहाँ पर Q में टच हो रहा है, और जो AC है उसको जब आगे बढ़ाओगे इस तरीके से तो वो हमारे पास यहाँ पर R में टच हो रहा है, ठीक है। ये हमारा R है और ये हमारा Q है, तो प्रूव कीजिए कि जो भाई AQ होगा, अच्छा मान लो अगर तुम टच नहीं कराते हो तो फिर वो प्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो AQ यहाँ पर निकल करके आ रहा है ये पॉइंट, ये हमारे जब सर्कल में टच होगा ही नहीं ना, तो आपको कुछ क्लू ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब आप एग्जाम में ड्रॉइंग बनाओगे इसका ना, तो अगर आपका टच नहीं हो रहा है तो उसको फिर दोबारा मिटा करके फिर से ड्रॉ करना, यानी कि इसको आगे बढ़ा लेना और फिर से सर्कल को दोबारा बना देना जो वहां पर जाकर टच करे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है ना, ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AQ जो है वो हाफ है BC CA और AB का। तो BC CA और AB क्या है भाई, BC CA और AB इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है।
तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि मेरा जो ए क्यू है और जो ई आर है वो सेम हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही मैं लिखता हूं कि भाई ए क्यू जो था वो इक्वल था ई आर का, क्योंकि ये हमारा सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ है टेंजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक। बाकी आप लोग डिटेल में लिखते रहना। उसके बाद आप लोग देखो जो बी क्यू है और जो बीपी है ये भी आपस में इक्वल है, तो वही चीज हमारा हो जाएगा यहाँ भी कि बी क्यू या फिर बीपी लिख दें तो बीपी लिख देता हूँ, इक्वल क्वेश्चन में बी क्यू, सेम रीजन की वजह से ये भी इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ से सीपी और सी आर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको भी लिख लो आप लोग कि जो सीपी है और जो सी आर है वो भी हमारा सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट है, वो भी इक्वल हो जाएगा। अब आ जाओ आप लोग ट्रायंगल के पेरीमीटर पे, क्योंकि हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही किया हुआ है, तो बी सी सी और ए बी लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं कि ए बी, नाउ अब हम लोग करते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी कि ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए, ठीक है, तीन जो साइड्स हमारे उन तीनों को प्लस करते हैं। तो ए बी किससे किससे मिलकर के बना है वो देखो, जो ए बी है वो हमारा पूरा पूरा ए क्यू में से अगर बी क्यू को माइनस किया जाए तब मेरा ए बी निकलेगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ कि जो, अच्छा मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ए क्यू को यहाँ पर क्वेश्चन में लेकर के आना है, इसीलिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई जो मेरा ए बी था वो पूरे पूरे ए क्यू में से माइनस करना पड़ेगा किसे, बी क्यू को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो बी सी है वो किससे किससे बन रहा है, तो बी सी जो वो दो पार्ट से बन रहा है, एक है बी पी और दूसरा है हमारे पास सी पी। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लो बी पी प्लस में सी पी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या चीजें हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पर से ए आर, सॉरी जो ए सी था ये वाला जो पॉइंट ए सी था ये लास्ट वाला, वो किससे मिलकर के बन रहा है, तो पूरे पूरे ए आर में से सी आर को माइनस करके बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए आर माइनस में सी आर। अब क्या करो आप लोग कि ए क्यू और ए आर इक्वल है, तो ए आर के बदले में तो ए क्यू लिखूंगा, ए क्यू को तो मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको तो मैं एकदम इज्जत के साथ उतारूंगा, बहुत ही इज्जत वाला है ये, इसे कुछ नहीं करेंगे। बी क्यू किसके बराबर था, बी पी के बराबर था, तो इन दोनों में से किसी एक का नाम चेंज कर दो। अगर आप बी क्यू को बी क्यू रहने दो तो इसको चेंज कर दो, इसका नाम भी बी क्यू रख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों आपस में इक्वल थे। उसी तरीके से जो सी पी और सी आर है इसका भी नाम चेंज करो, इन दोनों में देखो सी पी और सी आर बराबर थे, तो यहां पर अगर मैं सी पी को सी पी रहने देता हूं तो ये जो था ना इसके बदले में मुझे सी पी लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी आर और सी पी क्योंकि आपस में बराबर थे। और जो ए आर है उसको भी मैं इज्जत के साथ ए क्यू लिख दूंगा, क्योंकि मुझे ए क्यू के फॉर्म में तो लाना ही था। तो यहां से आपका देखो माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस का सीपी माइनस का सीपी कैंसिल, ए क्यू और ए क्यू मिलकर के हमारा 2 ए क्यू आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया बच्चा, देखो आपका फाइनल हो गया ये क्वेश्चन, हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 ए क्यू आ गया ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यू को चूंकि इधर लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि भाई जो 2 ए क्यू है वो इक्वल आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को इस फॉर्म में लिख दो आप लोग, सीधा सीधा इज्जत के साथ मत लिखो, यहाँ पर टेढ़ा करके लिखा हुआ है ना, तो वैसे लिख दो बी सी प्लस में सी ए और प्लस में ए बी, वही चीज है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप क्या करो इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां से आपका आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू 2 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा, बच जाएगा आपका बी सी प्लस में सी ए और प्लस में ए बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर, समझ में आया कैसे प्रूफ करना था, तो इस तरीके से प्रूफ करना था। अगर कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का सब चीज का हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट में तो आप लोग कर ही सकते हो, लेकिन मैं टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, तो वहां पर आप लोग अपने डाउट्स जो है ना भेज सकते हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, बच्चों को कैसे समझाया जाए, इजी मेथड क्या है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं अब बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके भी इसी तरीके वीडियोज बनाऊँ तो दो काम करना, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, ज्यादा जो कमेंट आएगा ना सबसे ज्यादा कि हाँ सर मुझे ये चैप्टर का वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले 10-11 क्वेश्चंस करा दीजिए छोटे से लेकर के बड़े तक, जैसे आज मैंने क्या कराया आपको, ये बड़े क्वेश्चन तब आपसे बनेंगे जब आपको छोटे क्वेश्चन जो मैंने शुरू में कराए थे वो बनेगा। मैंने शुरू में बोला था कि इजी क्वेश्चन बनाओगे तभी मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे, तो आप फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगला जो है कौन से चैप्टर का इसी तरीके का वीडियो चाहिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।